हुकूमत अगर कोई ऐसी पॉलिसी बना दे जिसमें सोशल मीडिया पे भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठ जाए, तो क्या इससे यूट्यूबर्स को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अभी तो यूट्यूबर्स इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली यूट्यूब को डाउन कर दिया है पाकिस्तान में। जो इनकम पहले जो मंथली 5-6 लाख कमाते थे वो भी अब कम होके 1-1.5 लाख पर आ गए हैं, बिकॉज इंटरनेशनली रैंकिंग हमारी यूट्यूब की बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद उन सहाफ़ियों को अरेस्ट भी किया जा सकता था। अंदर से हमें अपने मुल्क को ना तो जड़ें खोखली करनी चाहिए और ना ही अपनी नेगेटिविटी पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारी टैग लाइन है, ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। इसी के तहत हम अपने जो मेहमान बुलाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करें और जिनकी बातों से, जिनकी गुफ्तगू से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर व मारूफ एंकर फिज़ा रियाज साहिबा, ये पिछले 7 बरसों से मीडिया की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये कर चुकी हैं। करंटली ये न्यूज़ मॉर्निंग के नाम से PNN पे प्रोग्राम कर रही हैं, उससे पहले ये दुनिया न्यूज़ के साथ भी मुंसलिक रहीं, 7 न्यूज़ के साथ भी मुंसलिक रहीं, City 42 के साथ भी मुंसलिक रहीं। हम इनसे आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन का प्रोफेशनली मीडिया में आना किस तरह आसान हो सकता है और उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो प्रोफेशनली ख़वातीन को किस तरह डेवलप करना चाहिए और कौन से स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अगर वो सीख लें तो वो किसी भी प्रोफेशन में और ख़ास तौर पे मीडिया में कामयाबी से काम कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम फिज़ा रियाज साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम मैम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत मसरूफियत है आपकी। थैंक यू वेरी मच मैम। आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि आपने कब सोचा था कि मैंने मीडिया की फील्ड में आना है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा था तो उससे मुंसलिक और बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो मीडिया का इंतखाब क्यों, कब और कैसे किया? व्हेन आई वाज स्टडिंग, पढ़ते हुए आपको पता है कि BA की डिग्री के लिए 4 इयर्स जो बैचलर प्रोग्राम होता है उसमें आपने इंटर्नशिप करनी होती है और इंटर्नशिप के बाद आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होती है। तो City 42 में मैंने इंटर्नशिप की और वहीं पर उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि हम चाहते हैं कि आप ऑन स्क्रीन आएँ और आपको हम मौका देना चाहते हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद आपको ऑन एयर करेंगे। तो बहुत स्टार्ट में तो पहला तो ये था कि मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी थी और फिर उसके बाद मतलब एक चीज़ जब आपको लर्निंग, आप किसी चीज़ में अपना टाइम देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट हो जाता है। मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मेरी फैमिली में ड्रामा देखने वाले लोग बहुत कम थे और पॉलिटिक्स और सारे टॉक शोज़ देखने वाले, करंट अफेयर्स देखने वाले बहुत ज़्यादा थे और घर में जो है वो मर्द सारे देखते ही वही हैं। अब घर में जब इतने ज़्यादा मर्द हों तो आप सिर्फ पॉलिटिक्स ही देख सकते हैं, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, मुझे नो हाउ थी, इन्फॉर्मेशन थी। तो फिर उन्होंने भी जब मेरा इंटरेस्ट देखा कि आई एम नॉट टोटली ब्लैंक, तो फिर उन्होंने मुझे बोला, मिस्टर मोहसिन नकवी जो कि अभी CM पंजाब हैं उनके ही चैनल में मैं फिर ऑन एयर हुई और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा मैम, वैसे तो आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, लेकिन मुझे ये बताइएगा ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे अगर वो आना चाहती हैं मीडिया की फील्ड में या अपने आप को डेवलप करना चाहती हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगी कि उनके लिए क्या चैलेंजेस ज़्यादा हैं या कम हैं? ख़वातीन के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ में अपनी स्टडी कम्प्लीट कर रही हैं और उसके बाद उनमें वो एक्सपोजर है, वो इतनी टैलेंटेड हैं जो आगे इस फील्ड में आकर काम करना चाहती हैं, लेकिन फ़र्स्ट बैरियर आता है आपकी फैमिली का। आपकी फैमिली का बैरियर जब आता है और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक लड़की के लिए होता है जब आपको घर से सपोर्ट ना मिले, और उसके बाद बाहर निकल कर जब आपका घर वाले आपके सपोर्ट करते हैं फिर बाहर निकल के आप सब चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। तो वो तमाम लड़कियाँ जो कि इस वक्त मुझे सुन रही हैं और वो इस फील्ड में आगे आना चाहती हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑन स्क्रीन काम करना चाहते हैं। अच्छा, हम समझते हैं कि मीडिया इज़ ऑल अबाउट द फ्रंट स्क्रीन, जो कि पायलट सीट पर बैठा है, हॉट सीट पर बैठा हुआ है, सिर्फ वही मीडिया है और वही एंकरिंग है, वही सब कुछ है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, आपके प्रोडक्शन हैं, आपके कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, फिर उसके बाद रिसर्चर्स होते हैं, फिर MCR, PCR, मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड होती है जिसमें अगर आप ऑन स्क्रीन नहीं आ सकते तो आप ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैम, बहुत सारे लोग आजकल YouTube चैनल पे भी आते हैं, उस पे भी काम करते हैं, लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि हम बस अगर कोई 2-4 टॉपिक्स हमें आते हैं या कुछ बोलना हमें आता है या कोई ऐसा कह लें कि कोई एंटरटेनमेंट हमें उसका कोई चीज़ आती है,
तो हम मीडिया में जाके अपना काम कर सकते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? मीडिया में जाकर अपना काम करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मीडिया का एक पूरा प्रोसीजर होता है जिससे आपको गुजरना होता है। हमारे तलफ़ुज़ की अदायगी, कौन सी चीज़ हमने बोलनी है स्क्रीन पर, कौन सी चीज़ नहीं बोलनी, कौन से टॉपिक्स नो गो एरिया हैं, किन इश्यूज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं, किन इश्यूज़ को आप नहीं कर सकते, पैमरा के रूल्स क्या हैं, आपकी चैनल की पॉलिसी क्या है, आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है, आपके पास एक टॉपिक पर बोलने के लिए क्या 1000+ वर्ड्स हैं, और आपका फ्लुएंसी कितनी है कि आप बिल्कुल बगैर रुके, बगैर टोके किसी के, आप कितना स्पीडी बोल सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कितना अच्छे से कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट मीडिया इज़। बट ऑन दी अदर हैंड यूट्यूब इज़ इंटायरली या टोटली डिफरेंट फील्ड। शायद आपको अब मीडिया पर इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती जितनी यूट्यूब की वजह से मिल जाती है, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकता। आपको कोई एक घूमते हुए कोई पिक्चर भी मिली है ना, तो आप कहेंगे ये सच्ची है और आप उस पर पूरी वीडियो कर देंगे बगैर उसको कंफर्म किए, और वहाँ पर पैमरा के रूल्स नहीं लगते। पैमरा एक रेगुलरिटी अथॉरिटी है जो कि पूरे मीडिया को कंट्रोल करती है, सोशल मीडिया के लिए कोई भी रेगुलरिटी अथॉरिटी नहीं है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जो सोशल मीडिया, यस इट इज़ वेरी नेसेसरी कंपाउंड कि सोशल मीडिया भी होना चाहिए है, लेकिन वहाँ पर भी हर किसी को जो बोलता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो। सही। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताइए कि आने वाले वक्त में क्या आपका क्या ख्याल है कि अगर हम कोई ऐसी हुकूमत अगर कोई ऐसी पॉलिसी बना दे जिसमें सोशल मीडिया पर भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठ जाए जो उसको चेक करे, कॉन्टेंट को वेरीफाई करे, तो क्या इससे यूट्यूबर्स को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अभी तो यूट्यूबर्स इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली यूट्यूब को डाउन कर दिया है पाकिस्तान में। सही। जो इनकम पहले और जो मंथली 5-6 लाख कमाते थे वो भी अब कम होके 1-1.5 लाख पर आ गए हैं, बिकॉज इंटरनेशनली रैंकिंग हमारी यूट्यूब की बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। अब गोरे के जहन को अगर पढ़ते हैं ना, वो कभी भी अपना टाइम, कभी भी अपनी चीज़ इन्वेस्ट नहीं करता कि मैं किसी फजूल चीज़ को क्यों देखूं, जिसमें उसको पता ना कि ये मुझे फ़ायदा देगा, वो वही देखेगा। फजूल में वो स्क्रॉलिंग नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे पढ़ना कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं, बस स्क्रॉलिंग करते जाना है। ये PTI के टाइम पर हुआ था, फवाद चौधरी जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तब वो एक्ट ये लेकर आना चाहते थे, और पेका एक्ट भी इसी की एक कड़ी थी कि जिसमें जो सोशल मीडिया वाले हैं उनको आंसरेबल किया जाएगा, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उसके बाद उन सहाफ़ियों को अरेस्ट भी किया जा सकता था। okay. और उस पर जो है वो मुकदमात भी हो सकते थे, जिसको तमाम जो बॉडीज़ थी उन्होंने कंडेम किया कि ऐसा कानून पास नहीं होना चाहिए है। हाँ अलबत्ता सोशल मीडिया के हवाले से कुछ कवानीन ज़रूर होने चाहिए हैं कि जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट के बारे में टीवी पर बात नहीं कर सकते, जजेस के फैसले पर आप खुलकर बात नहीं कर सकते, सेम गोज़ टू द सोशल मीडिया। अंतर से हमें अपने मुल्क को ना तो जड़ें खोखली करनी चाहिए और ना ही अपनी नेगेटिविटी पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए। अच्छा मैम, जो लोग आना चाहते हैं मीडिया की फील्ड में और जो स्टार्ट भी करते हैं, कुछ अर्सा काम भी करते हैं, जाहिर है कि जब वो आते हैं उनको पता लगता है कि इसमें तो बहुत मेहनत है। हाँ। और फिर वो जो उन्होंने एक अपने माइंड में स्केच किया होता है, मैप बनाया होता है, वो सारा जब टूटता है, मेकअप करके हम टीवी पर आके बैठ जाते हैं, तो वो क्या गलती करते हैं असल में, बेसिकली उनकी मिस्टेक क्या है, वो कौन से स्किल्स को डेवलप करें ताकि जब वो आए, बेशक शौक की वजह से आए, लेकिन वो कामयाब हो सके? सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस, बिकॉज अगर आप टीवी पर आ रहे हैं, अगर तो आप स्पेसिफिकली टीवी पर आने का पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग, और आप क्या, आपका चेहरा हर सूरत खूबसूरत होती है, लेकिन आपका चेहरा क्या इस काबिल है कि, क्योंकि मीडिया की फील्ड बहुत हार्श फील्ड है, यहाँ पर लोग आपका दिल दुखा देंगे और शायद उन्हें फील भी ना हो कि उन्होंने कुछ हार्श वर्ड्स बोले हैं, बिकॉज डेली बेसिस पे पता नहीं प्रोड्यूसर्स या बाकी लोग कितने लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, और सबसे पहले लड़की और लड़के दोनों की पर्सनैलिटी देखते हैं कि दोनों की क्या इतने गुड लुकिंग है कि वो टीवी पर आ जाएँ। तो सबसे पहले तो आप ख़ुद अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज़ करें कि क्या आप में वो चीज़ है। फिर सेकंड, अगर आप खूबसूरती में इतने आगे नहीं भी हैं, आपका कंटेंट कितना स्ट्रांग है, आपने अगर अपने प्रोड्यूसर को या सामने जो भी आपका इंटरव्यूअर है अगर आपने उसे इम्प्रेस करना है, तो आपके पास उसके सवालों के जवाब कितने हैं, कितनी डायरेक्शंस में हैं, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री के कितना पढ़ा है, और फिर करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपको क्या पता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको क्या पता है, पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। फिर जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनको ये सिर्फ लगता है कि सिर्फ तैयार होकर सामने बैठ जाते हैं मेकअप के, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस।
यू हैव टू गो विद द एक्सप्रेशंस कि किस स्टोरी पर आपने किस किस्म के एक्सप्रेशंस देने हैं, आपकी डिलीवरी कैसी है, आपकी अदायगी वर्ड्स की कैसी है, आपकी इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कितनी बेहतर है, स्पेशली फिर क्रिकेटर्स, फिर मौसम, फिर इंटरनेशनली, मतलब ये सारे सेगमेंट्स होते हैं जो एक बुलेटिन का हिस्सा होते हैं. तो आपको इस बारे में फिर थोड़ी 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 सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड सबसे पहले आप न्यूज़पेपर क्या पढ़ते हैं, डेली का आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, जो आपके पास वर्ड्स का एक ज़खीरा आता है उससे और आपके पास इन्फॉर्मेशन का एक ज़खीरा आता है. तो हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, हम बस टीवी पर आने को फैसिनेट करते हैं और फिर ऐसे लोग जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी वाइंड अप हो जाते हैं, स्क्रीन से ख़त्म हो जाते हैं. मैम, आपका पर्सनली फ्यूचर में क्या गोल है, कोई ऐसा काम जो अभी करना चाहती हो, कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक अधूरा हो जिसे आप पूरा करना चाहती हो, वो क्या है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मीडिया के अंदर कोई भी डायरेक्टर न्यूज़ लेवल तक कोई भी जर्नलिस्ट नहीं गया है. जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं आप देख लें, डायरेक्टर न्यूज़ या बड़ी सीट्स पर जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है वहाँ पर मेल होता है, कोई फीमेल नहीं होती. बहुत सी ऐसी जर्नलिस्ट हैं, मेहर बुखारी हैं, आसमा शराजी हैं, इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो सीजनल जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने बड़ी एफर्ट की है, अपनी पूरी जवानी उन्होंने रिपोर्टिंग में गुजारी है और उसके बाद आगे फ्रंट फुट पर आके वो बैठी हैं और इंटरव्यू कर रही हैं. तो उन जैसे लोगों की भी आप ये देखें कि वो भी इतने बड़ी पोस्ट पर आकर अभी नहीं बैठती. तो सबसे ज़्यादा जो मुझे ऐसा लगता है कि कमी है, और ये मैं नहीं बाकी कोई और इस काबिल है तो उसको ज़रूर आगे आना चाहिए है, और इतना स्पार्क पर्सनालिटी में होना चाहिए कि वो इस बड़ी पोस्ट पर, क्योंकि जब एक औरत बड़ी पोस्ट पर आकर बैठेगी ना, वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आएगी जो कि फ़ीमेल की वॉइस को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और मर्द अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, उसमें एक औरत की आवाज़ कहाँ है वो ख़त्म हो जाती है. लेकिन किसी चैनल में अगर कोई औरत अगर बड़ी पोस्ट पर आकर बैठती है तो उसको पता है कि एक औरत की क्या जर्नी होती है, वो किन किन मसले से गुजरती है, फैमिली प्रेशर किस तरह से होता है, तो वो पॉलिसीज शायद किसी इदारे की उसके अकॉर्डिंग बनाएगी. मैम, आपकी इंस्पिरेशन वो कौन लोग हैं और जिनसे आपने सीखा, और फैमिली के वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मीडिया में आने में? मीडिया में आने के लिए फैमिली से, ऑब्वियसली मैंने पहले बोला कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. माई फादर ही रियली पुश्ड मी के सीखो, करो, पढ़ो, क्योंकि जो मीडिया में आती हैं स्पेशली हम एंटरटेनमेंट और मीडिया को बहुत ज़्यादा आपस में मिक्स कर देते हैं. तो एंटरटेनमेंट का जो हाल है मीडिया का वो हाल नहीं है. बहुत से रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ की लड़कियां मीडिया में मौजूद हैं और मीडिया और न्यूज़ और स्पेशली जर्नलिज्म एक बड़ा सुलझा हुआ प्रोफेशन है. तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर कोई रात की कोई पार्टीज़ नहीं होती, यहाँ पर कोई ड्रग्स नहीं चल रही होती जिस तरह एक हवा बनाया हुआ है. ये सब कुछ मॉडलिंग की फील्ड में या एंटरटेनमेंट की फील्ड में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. हर कोई अपनी 8 आवर्स की ड्यूटी करता है और उसके बाद दे आर गुड टू गो. और स्पेशली वो लड़कियां फिर आगे उनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा मसले होते हैं जब वो देखते हैं कि मीडिया में है, अच्छा टेलीविज़न पर आती है, पता नहीं इनका एक्सपोजर कितना ज़्यादा होगा, पता नहीं ये घर चला सकेंगी या नहीं, या अपने हस्बैंड को पूछ सकेंगी या नहीं. तो एक ये है कि उनको सबसे ज़्यादा मसला रिश्ते का बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज स्टिल दिस काइंड ऑफ अ सोसाइटी दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ अ वुमन जो कि एम्पावर्ड है. तो मेरे बाबा का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, थ्रू आउट मदर का भी रहा है, लेकिन माई मदर वॉज नॉट मच एक्सप्रेसिव एंड शी इज़ नॉट अलाइव, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे. तो मेरे बाबा का बहुत ज़्यादा रहा है कि वो मतलब अभी भी स्टिल मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो वो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो मुझसे डिस्कशन करते हैं. अगर कोई घर में मैं टीवी नहीं देख रही और वो टीवी देख रहे हैं, कोई बड़ी खबर आ गई है, तो वो फौरन मुझे कहते हैं कि ऐसा हो गया है. मतलब मुझे लगता है कि मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरे बाबा से आ रहा है. एंड बाकी जब मैं सीख रही थी, मेरे पास तो वो अपॉर्चुनिटी थी नहीं कि अब तो सोशल मीडिया पे आप जाते हैं और सब कुछ आपको मिल जाता है. उस टाइम पे सोशल मीडिया वाज नॉट दैट एक्टिव बैक 7 to 8 years ago. तो मैं क्या करती थी, जियो की हेडलाइंस कॉपी पर लिखती थी, उनकी रिकॉर्ड करके मोबाइल में, उसको कॉपी पर लिख के, उसका स्क्रिप्ट सारा लिख के, फिर मैं उसको रिकॉर्ड करती थी कि कहाँ पर इन एंकर्स ने स्ट्रेस लिया है, कहाँ पर पॉज लिया है, कहाँ पर ये फिक्रे को ब्रेक कर रहे हैं, कहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं. फिर मैंने अपने तलफ़ुज़ के लिए एक अलग डायरी बना के रखी थी कि ये वर्ड्स हैं जिनको मैं गलत अदा करती हूँ, तो मैंने उनकी अदायगी के लिए ना पूरी एक ज़बर ज़ेर लगा के कि जब मेरे पास न्यूज़ में ऐसा आएगा तो मैं इसको कैसे ठीक करूँगी और अपनी उर्दू कैसे बेहतर करूँगी. तो मैं तो मतलब मुझे लगता है कि जिस एक हार्ड फेस से हम गुजरे हैं, शायद अब के जो यंगस्टर्स गर्ल्स हैं उनको शायद इतना मसला नहीं है. ठीक है,
अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आखिर में आप अपने जो फैंस हैं उनको और ख्वातीन को क्या मैसेज देंगी? इट्स ऑलवेज द हार्डेस्ट पार्ट बिकॉज इंटरव्यू लेना बहुत आसान है, लेकिन जब आप यू आर यू नो व्हेन यू आर आंसरेबल और कहीं पर गेस्ट होते हैं तो वो बड़ा मुश्किल एक मरहला होता है. और मैसेज एट द एंड इवेंचुअली मैं यही कहूँगी कि लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए कि एक दूसरे को स्पेस दें. अगर मीडिया में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले तो एक दूसरे को स्पेस दें, और स्पेशली लर्निंग, आपने अपनी लर्निंग को कहीं पर भी स्टॉप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सब्ज़ बाग दिखाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे और कहें आपने तो सब कुछ अचीव कर लिया है. छोटी छोटी तारीफ़ों पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है. यू नो व्हेन यू हैव दैट स्पार्क तो डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग. व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, दैट मच कॉन्फिडेंट कि भाई यू हैव दैट स्पार्क एंड यू कैन डू एनीथिंग, तो फिर जस्ट स्टे ऑन द लाइन, जस्ट स्टे फोकस्ड और यू विल डू इट, यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. जस्ट यू हैव टू पिक अ लाइन और उसके बाद आप उस पर मेहनत करते जाएँ. कि लड़की के लिए भी है और लड़के के लिए भी है. बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्टिकुलर फील्ड इज़ नॉट फॉर यू, देन गिव अप सो अर्ली, बजाय कि आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें और उसके बाद आपको लगे कि हर तरफ से रिजेक्शन है और ये फील्ड मेरे लिए नहीं है. सो जस्ट गिव अप और जो आपका और किसी में इंटरेस्ट है तो वो करें. मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? कासिम अली शाह साहब के साथ आई गेस हमने इकट्ठे प्रोग्राम स्टार्ट किया था, गुफ्तगू हम प्रोग्राम करते थे. बाद में वो पूरा गुफ्तगू की बुक भी पूरा छपी और उन्होंने मुझे, मतलब आई वाज वेरी ब्लेस्ड वन कि मेरे करियर के स्टार्टिंग के डेज में आई गेट अ चांस टू वर्क विद कासिम अली शाह, दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जो कि इंफॉर्मेशन का एक इंसाइक्लोपीडिया था. और किसी भी टॉपिक पे, मैं स्पेशली वुमेन अवेयरनेस पे उनसे ज़्यादा डिस्कशन करती थी. मैं कहती थी शाह जी आप छोड़ दें, बाय द वे उनका नाम भी शाह जी मैंने ही डाला था, क्योंकि पहले उनको सब शाह साहब कहते. मैं कहती थी मैं आपको शाह जी बोलूँगी, दैट साउंड वेरी कैजुअल और वो अच्छा भी लगता है. तो कहते थे बस फैज़ा आप तुमने कह दिया तो ये शाह जी है. तो शाह जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मुझे मिला, सीखने का एक्सपीरियंस मिला मुझे. स्पेशली वो उनकी आवाज़, मतलब वो जिस तरह से बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी उनकी बात को इग्नोर करके चला जाए. आप उनसे अग्री करें या डिसअग्री करें, बट आप उनकी बात के वॉल्यूम को और बात की जो वजन है उसको इग्नोर नहीं कर सकते. और कासिम अली शाह फाउंडेशन, अभी भी जब मेरी उनसे डिस्कशन हो रही होती है तो जिस तरह से वो बच्चों के लिए, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पर वो लोगों की टेक केयर कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बेवाओं को वो टेक केयर कर रहे हैं, तो ये फाउंडेशन जो काम कर रही है ना, मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को चुना होता है. सही. वो खास कर्म होता है अल्लाह ताला का उन पर कि इन लोगों को चुन लिया जाता है, फिर वो सोसाइटी में खैर का काम फैलाते हैं. तो अल्लाह ताला शाह जी को मजीद कामयाब करे और ये फाउंडेशन इसी तरह से फलती फूलती रहे. बहुत बहुत शुक्रिया फिजा रियाज साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़िम, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, खास तौर पर जो इन्होंने बात की कुछ स्किल्स की, कि कॉन्फिडेंस अगर आप में हो और उसके बाद जो एक लर्निंग जो है आपका एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, खास तौर पर अगर मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं, तब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.